दोस्तों नमस्कार। लगातार पोल टैक पर आपको रामविलास पासवान के निधन के बाद रामविलास पासवान के पहली पत्नी राजकुमारी के बारे में जानकारी दी जा रही है। आज रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से लोगों ने कहा है कि यह बहुत ही अच्छा हुआ है। लगातार यह बात हो रही थी कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी के बच्चों को, दोनों बेटियों आशा और उषा के बारे में चर्चाएं हो रही थी। हमने दो तीन वीडियो आपको दिखाया है इस पर, जिस पर आपने देखा है और लोगों ने खूब प्यार किया है, वीडियो को देखा, कमेंट भी किया है। तो आज जब यह खबर आती है कि रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान को टिकट मिल गया है लोजपा से, तो तमाम रामविलास पासवान के चाहने वाले और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका ये कहना था कि ये वीडियो भी आना चाहिए। तो राजा पाकड़ जो है हाजीपुर की सुरक्षित विधानसभा सीट है जहां से रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान को टिकट दिया गया है। मृणाल पासवान को एक बार टिकट और मिला था। इसके अलावा जब यह बात सामने आती है कि टिकट मिला है तो अब ये लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या वो चुनाव जीत सकते हैं, क्या उन्हें चुनाव जीतने में आसानी होगी। दरअसल हाजीपुर ज़िले की यह सुरक्षित सीट है, यहाँ पर रामविलास पासवान सांसद रहे कई बार और इस समय भी लोजपा के पास यह सीट है। लोजपा पे रामविलास पासवान के भाई यहाँ से चुनाव जीते हैं जो सांसद हैं। तो माना जा रहा है कि इस राजा पाकड़ विधानसभा सीट पर लोजपा भारी पड़ सकती है क्योंकि रामविलास पासवान के दामाद हैं और रामविलास पासवान का निधन हुआ है तो उनके चाहने वालों में एक लहर होगी। अगर दो चुनाव पिछला देखा जाए 2010-2015 का, तो राजा पाकड़ विधानसभा सीट पर लगभग 30,000 से 40,000 वोट पाने वाली लोजपा दूसरे नंबर पर रही। राजा पाकड़ एक प्रमुख विधानसभा सीट मानी जाती है लोजपा के लिए क्योंकि सुरक्षित है और हाजीपुर ज़िले में आती है, तो यहीं से रामविलास पासवान अपनी राजनीति को आगे ले गए। कई बार सांसद रहे, उन्हें एक बार हार भी मिली 2009 में, लेकिन इस समय 2009 के बाद लगातार इस सीट पर रामविलास पासवान की पार्टी जीत रही है। तो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने अपने जीजा अर्थात रामविलास पासवान के पहली पत्नी की बेटी के पति को टिकट दे दिया है मृणाल पासवान को। यह एक लहर सी है उनके चाहने वालों में कि चिराग पासवान ने बहुत ही अच्छा किया, चिराग पासवान ने बहुत ही सम्मान की बात है, ये उन्हें टिकट दिया और टिकट भी मिला तो उनके ससुर मतलब रामविलास पासवान जहाँ से सांसद हुआ करते थे उन्हीं क्षेत्रों के एक विधानसभा सीट से, जो हो सकता है इन्हें जिता दे, इन्हें लाभ मिल जाए। तो ये एक अच्छी खबर है ये लोजपा की तरफ से, जहाँ पर बात तो ये पॉलिटिकल है लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी की तमाम खबरें आ चुकी हैं। पोल टॉक पर भी कई सारी खबरों को लाखों लोगों ने देखा है, उनके तमाम कमेंट्स रहे हैं, वो रामविलास पासवान से मिलना चाहते हैं, चिराग पासवान से भी मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान दूर हैं। रामविलास पासवान का निधन हो चुका है और चिराग पासवान अभी उन सारी जिम्मेदारियों में फंसे पड़े हुए हैं। तो यह खबर उनके चाहने वालों में बड़ी खबर है। तो अगर ये खबर आपको भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, लगातार आपको अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।